मॉर्निंग स्टूडेंट, फाइवर क्लासेस में आपका स्वागत है। यह अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का क्लास है आपका। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं। त्रुटियां आपकी दो प्रकार की होती हैं, स्थिर त्रुटि और क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि भी कई प्रकार की होती है, उसको हमने डिफाइन किया था। अब हम पढ़ेंगे किसी भी मापन में त्रुटि को कैसे व्यक्त करते हैं। तो किसी भी मापन में जो त्रुटि को व्यक्त करने के कई तरीके हैं। तो पहला तरीका है वो है आपका परम त्रुटि, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट एरर, सॉरी दूसरा है आपका सापेक्ष त्रुटि, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, इस तरीके से किसी भी मापन में त्रुटि को व्यक्त करने के तीन तरीके हैं। पहला है परम त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर, दूसरा है आपका सापेक्ष त्रुटि, रिलेटिव एरर, और थर्ड है आपका प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर। अब देखिए परम त्रुटि क्या होता है। जैसे हम कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं तो उसका थ्योरेटिकल मान होता है, और जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो उसके मान में थोड़ा सा अंतर आता है। तो जो परम त्रुटि होता है वो वास्तविक मान और प्रैक्टिकल मान में जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, वही आपका परम त्रुटि कहलाता है। सापेक्ष त्रुटि क्या होता है, माध्य परम त्रुटि और वास्तविक मान। जो परम त्रुटि में डिफाइन किया, कई सारे परम त्रुटि को निकाल के उसका माध्य निकालते हैं। तो जो सापेक्ष त्रुटि होता है, रिलेटिव एरर होता है, वो रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर एंड रियल वैल्यू, मतलब माध्य परम त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। और जो प्रतिशत त्रुटि होता है, सापेक्ष त्रुटि के प्रतिशत को ही प्रतिशत त्रुटि कहा जाता है। तो हम पहला देखते हैं परम त्रुटि आपका क्या है, एब्सोल्यूट एरर। मापे गए वास्तविक मान रियल वैल्यू तथा प्रायोगिक मान के अंतर को परम त्रुटि कहते हैं। अगर हम परम त्रुटि को इससे आपको फॉर्मूला क्या मिला, एब्सोल्यूट एरर बराबर ट्रू वैल्यू या रियल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। इसको हम देख सकते हैं परम त्रुटि बराबर वास्तविक मान माइनस प्रायोगिक मान। अगर हम परम त्रुटि को डेल्टा ए से डिनोट करें तो डेल्टा ए बराबर ए एम माइनस ए आई, वास्तविक मान को ए एम से और प्रायोगिक मान को ए आई से, तो हम बोल सकते हैं डेल्टा ए बराबर ए एम माइनस ए आई। अब देखिए दूसरा एरर था आपका सापेक्ष, रिलेटिव एरर, सापेक्ष त्रुटि। तो उसको डिफाइन करने के लिए पहले माध्य परम त्रुटि जानना जरूरी था। देखिए माध्य परम त्रुटि क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट
किरत मां के परम त्रुटि विभिन्न परम त्रुटियों के माध्य को माध्य परम त्रुटि कहते हैं। कई सारे हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, सभी प्रैक्टिकल का हम परम त्रुटि निकाल लेते हैं, फिर उन सबका माध्य निकालते हैं। तो जो सभी परम त्रुटियों का माध्य होता है, विभिन्न विभिन्न परम त्रुटियों का जो माध्य होता है, उसी को माध्य परम त्रुटि कहते हैं। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं माध्य परम त्रुटि डेल्टा ए एम। बराबर पहला माध्य परम त्रुटि माध्य डेल्टा ए वन है, दूसरा माध्य त्रुटि आपका डेल्टा ए टू है, प्लस डॉट 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 डेल्टा ए एन है अपॉन एन। इस तरीके से हम कर सकते हैं डेल्टा ए एम बराबर वन अपॉन एन। जब कई पदों को लिखा जाता है तो समेशन के फॉर्म में लिखा जाता है आई इक्वल टू वन से लेके एन मॉड में डेल्टा ए आई एन। इस तरीके से हम माध्य परम त्रुटि को डिफाइन कर सकते हैं। विभिन्न परम त्रुटियों के माध्य को हम माध्य त्रुटि कहते हैं। माध्य परम त्रुटि आपका डिफाइन हो गया। अब हम डिफाइन करते हैं सापेक्ष त्रुटि रिलेटिव एरर। सापेक्ष त्रुटि क्या है? जो परम माध्य परम त्रुटि है ये तथा वास्तविक मान का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, वही आपका सापेक्ष त्रुटि कहा जाता है। हम बोल सकते हैं रेशियो बिटवीन मीन एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू। इसको हम फॉर्मूले के द्वारा डिफाइन करें सापेक्ष त्रुटि डेल्टा, ए से डिफाइन करें तो ये डेल्टा ए एम अपॉन ए एम। सापेक्ष त्रुटि यदि के भिन्न के रूप में है तो इसको हम भिन्नात्मक त्रुटि भी कहते हैं, रिलेटिव सापेक्ष त्रुटि को भिन्नात्मक त्रुटि फ्रैक्शनल एरर भी कहा जाता है। इस तरीके से आप देखो सापेक्ष त्रुटि किसको कहते हैं? माध्य परम त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। थर्ड है आपका प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि क्या कहते हैं? सापेक्ष त्रुटि के प्रतिशत को ही प्रतिशत त्रुटि कहा जाता है, परसेंटेज एरर।
हम बोल सकते हैं परसेंटेज किरर सापेक्ष त्रुटि को हम डेल्टा के से डिनोट करते हैं, तो डेल्टा ए इनटू हम बोल सकते हैं डेल्टा एम अपॉन एम इनटू 100। तो परसेंटेज त्रुटि किसको बोलते हैं? सापेक्ष त्रुटि के प्रतिशत को ही परसेंटेज त्रुटि बोला जाता है, त्रुटि बोला जाता है। अब आपने देखा कि किसी भी मापन में त्रुटि को व्यक्त करने के तीन तरीके हैं। पहला है परम त्रुटि, दूसरा सापेक्ष त्रुटि और तीसरा प्रतिशत त्रुटि। परम त्रुटि किसे कहते हैं? किसी भी प्रैक्टिकल करते टाइम, कोई भी प्रयोग करते टाइम, किसी भी प्रयोग में जो ट्रू वैल्यू होती है, वास्तविक मान होती है, और जो प्रायोगिक मान होती है उसके अनुपात, उसके अंतर को ही परम त्रुटि कहा जाता है। माध्य परम त्रुटि, विभिन्न विभिन्न परम त्रुटियों के माध्य को माध्य परम त्रुटि कहते हैं। फिर सापेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं? माध्य परम त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू उसको हम रिलेटिव एरर बोलते हैं। और प्रतिशत त्रुटि कहते हैं, किसे कहते हैं? सापेक्ष त्रुटि के प्रतिशत को ही हम प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। इस तरीके से हम किसी भी त्रुटि को मापन में किसी त्रुटि को तीन तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, लास्ट सार्थक अंक। सिग्निफिकेंट फिगर सार्थक अंक के द्वारा कोई भी भौतिक राशि कितना यथार्थ है, कितना एग्जैक्ट है, कितना सही है, उसका हमको ज्ञान होता है। हम लिख सकते हैं कि सार्थक अंकों द्वारा किसी भौतिक राशि की यथार्थता का ज्ञान होता है। और एक बात और भी है, सार्थक अंगों की संख्या जितनी अधिक होती है वो माप उतना ही यथार्थ होता है, एग्जैक्ट होता है, सही होता है। तो मित्र कहते किसी मापन में ऐसे अंक जिनका मान सही प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, जिनका मान सही प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, सार्थक अंक कहलाते हैं। कोई मापन में ऐसे अंक जिनका मान सही प्रकार से पढ़ सकते हैं, जिनका मान सही प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, ऐसे अंगों को हम सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होती है, सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होती है वह माप उतना ही अधिक यथार्थ, एग्जैक्ट होता है, सही होता है, उतना ही अधिक यथार्थ होता है। जैसे 1.743 में सार्थक अंक 4 है। देखिए 1, 2, 3, 4। अभी हम बताएंगे आपको कि सार्थक अंक कैसे
साथियों को ज्ञात करने के क्या क्या नियम है, पहले मैं इस एग्जाम्पल को देखते हैं। ये कोई माप है जिसमें 1.743 है, उसमें किसके साथ अंक है 4, इसको हमने डेसिमल के 3 डिजिट तक लेकर गए हैं। अगर हम इसको डेसिमल के 5 डिजिट तक लेके जाते हैं 1.743289 में सार्थक अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सार्थक अंक इसमें कितना है 7 है। अतः किसी भी माप का, हमने कोई भी माप लिया है, अतः 1.743289 अधिक शुद्ध माप है या अधिक यथार्थ है। वही हमने बताया किसी भी माप में ऐसे अंक जिनका मान सही प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है सार्थक अंक कहलाते हैं। सार्थक अंक पे अंकों की संख्या जितनी अधिक होती है वो उतना सही माना जाता है, यथार्थ माना जाता है, एग्जैक्ट। जैसे हम देखिए 1.743 में सार्थक अंक कितने हैं 4 है, और आपका 1.743289 में सार्थक अंक कितने हैं आपके 7 है। तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों माप में आपका जो 1.743289 है वो अधिक शुद्ध माप है, मतलब अधिक यथार्थ है, तो ये आपका सार्थक अंक। अब है आपका किसी भी सार्थक अंक को ज्ञात करने के लिए क्या क्या नियम है देखते हैं हम। पहला नियम है आपका कोई हम संख्या आपको दे देते हैं, उसमें दशमलव नहीं है और लास्ट में आपका जीरो है, तो वो जो जीरो होता है वो सार्थक अंक नहीं होता है। जैसे 2, 4, 5, 6, 0 इसमें देखिए दशमलव कहीं भी आपका नहीं है, तो संख्या में सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, जो लास्ट के शून्य है उसको हम नहीं लेंगे, वो सार्थक अंक नहीं माना जाता है। 1, 2, 3, 4 तो इस तरीके से इस संख्या में कितने सार्थक अंक है 4। अब देखिए सेकेंड नियम आपका क्या है, संख्याओं के शून्य के अतिरिक्त अन्य सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। दशमलव वाली संख्याओं में दशमलव के बाद सभी शून्य अंक भी दशमलव के बाद सभी शून्य अंक भी सार्थक अंक होते हैं। देखिए इसका क्या मतलब है, जैसे कोई भी दशमलव वाली संख्या है, दशमलव के बाद जो भी शून्य है वो सभी सार्थक अंक होते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 2, 5.0026 में सार्थक अंक, ये देखिए दो संख्याओं के बीच में जीरो है और दशमलव वाली संख्या है
तो इसमें ये भी आपका सार्थक अंक होगा, तो सार्थक अंक संख्या एक दो तीन चार पाँच छह, तो आपकी सार्थक अंकों की संख्या सिक्स हो जाएगी। देखिए थर्ड नियम क्या है आपका, एक से कम अंक की संख्याओं में दशमलव के दाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। देखिए जैसे जीरो पॉइंट जीरो 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 वन फाइव सिक्स में सार्थक अंक ये दशमलव है, इस संख्या के दाईं ओर मतलब ये दशमलव बाद वाली जो संख्या उसके दाईं ओर, ये है आपका दशमलव के इधर है, तो ये तीन आपका सार्थक अंक जिसमें सार्थक अंक बराबर तीन। ठीक, हम इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, 0.0508 में सार्थक अंक, बताइए इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, दो संख्याओं के बीच के जीरो को हम सार्थक अंक लेते हैं, इस जीरो को हम नहीं लेंगे, और ये दशमलव एक से कम संख्या है इसमें सार्थक अंक आपके तीन है, एक दो तीन, इसमें सार्थक अंक की संख्या तीन हो जाएगी। तो इस तरीके से हम किसी भी माप में सार्थक अंकों की संख्या इन सभी नियम के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं कि पता कर सकते हैं कि किसी भी वैल्यू में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल कि इसमें सार्थक अंक कैसे निकाले जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसमें सार्थक अंक कैसे निकाले जाते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है हमने लिया 0.042, बताइए इसमें कितने सार्थक अंक हैं, इस जीरो को ले लेंगे, जीरो को ले लेंगे सार्थक अंक, इसमें आपके सार्थक अंक बराबर आपका टू हो जाएगा। अगला एग्जांपल हम लेते हैं 5000, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, बताइए आप लोग इसमें कितने सार्थक अंक हैं, दो, सही है। फिर अगला एग्जांपल देखिए 15.50, इसमें कितने सार्थक अंक हैं आपके, ये दसवां वाली संख्या है, हमने बताया था जो दसवां वाली संख्या नहीं होती उसके लास्ट के शून्य को हम सार्थक नहीं लेते हैं, लेकिन दसवां की संख्या जिसमें लास्ट के शून्य को भी हम सार्थक लेंगे तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या आपकी चार हो जाएगी। इस तरीके से अगला एग्जाम्पल देखिए 9.1×10⁻³¹ में सार्थक अंक, ये देखिए ये जो आपका डिफाइंड होता है 10⁻³ में, तो 10⁻³ मतलब तो ये जीरो की संख्या होती है, मतलब ये तो माइनस में है तो 1/1 के आगे 31 जीरो, तो ये जीरो होता है, जीरो तो सार्थक अंक होता नहीं है। तो ऐसे जो वैज्ञानिक पद्धति से अंक लिखे जाते हैं उसमें सार्थक अंक की संख्या इनसे डिफाइन होती है, तो इसमें सार्थक अंक की संख्या आपकी दो हो जाएगी। कुछ और एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हम बोलेंगे आपका 3.0, ठीक 3.0×10⁻25 में सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, बताइए आप लोग, ये वैज्ञानिक पद्धति में लिखा गया है, तो अभी हमने बताया ये तो जो 10⁻⁴ होता है ये जीरो होता है, एक के आगे जीरो की संख्या होती है, जीरो तो सार्थक अंक होता नहीं है, तो इसमें ये दसवां वाली संख्या तो इसमें से बाद के भी जीरो बोलेंगे तो इसमें दो सार्थक अंक है आपके। एक दो एग्जाम्पल और देख लीजिए 5.300×10⁻²० बताइए आप लोग कितने सार्थक अंक है इसमें, इसमें आपके 1, 2, 3, 4 दसवां वाली संख्या है, दसवां वाली संख्या में जीरो काउंट करते हैं, ये दसवां वाली संख्या इसमें दसवां नहीं था तो इसमें जीरो को नहीं लेते, तो केवल दो सार्थक अंक,
जीरो काउंट करते हैं सार्थक अंकों की संख्या 4। तो इस तरीके से आपका सेकेंड चैप्टर अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का सेकेंड चैप्टर सार्थक अंक के टॉपिक से ही कंप्लीट हो जाता है। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट के थ्रू उसको पूछ सकते हैं। स्टूडेंट, मैंने दो चैप्टर अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का कंप्लीट कर लिया है, जो कि बीटी यूपी बोर्ड के सिलेबस के अनुसार जितने भी टॉपिक थे हमने सभी को कवर कराया। आप सभी वीडियो को देख कर नोट्स बना लीजिएगा, जो कि एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो अगले वीडियो में हम आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।